एग्जाम के रिजल्ट्स। ये क्या मजाक है, मैं इसे बदल सकती हूँ। ये काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? एक एफ, अगर मैं इसे खरोच दूँ? ये बकवास है। हाँ सोचो। हाँ समझ गई। मुझे बस ये ग्लू गन और ये ग्लू स्टिक चाहिए। कोने पर बस थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसे इंक पर प्रेस करेंगे। इसे यहीं टिका कर रखेंगे और ये इसके साथ ही निकल आएगा। मैं एक जीनियस हूँ। शायद नहीं, अब यहाँ एक नया ग्रेड डाल देंगे। मुझे ए मिलना चाहिए। जरा ये देखो, तुम कितनी स्मार्ट हो और शो ऑफ करती हो। अगली बार मुझे भी आंसर दिखाना। रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस। मैं आ रही हूँ। पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल। देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल। और ये है सारे के सारे आंसर्स। वाह ये तो शानदार है। थैंक्स, एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है। पढ़ने में मजा आएगा। मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी, इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है। हटो, मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते। बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूँ? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ। अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए। देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी चीटिंग। इरेजर के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता। तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। टीचर आ रही है। मैं जानती थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी। बस बीप ना हो। हाँ, कि पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस। तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ। क्या नींद आई। टाइम क्या हो रहा है? ओ नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। कपड़े निकालती हूँ। शायद मेरे पास कुछ ज्यादा ही कपड़े हैं। मेरा सर। कम से कम टाइम तो बचा। मॉर्निंग मॉम। लू नाश्ता कर लू। ये तुमने क्या पहना हुआ है? हाँ सॉरी मॉम, मुझे जाना होगा। अजीब लड़की है। ओ नहीं, दोबारा नहीं। मैं रोज रोज ये नहीं कर सकती। मॉर्निंग, मुझे जाना होगा मॉम। इसने क्या पहना हुआ है? इसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। रूम में कितना धन बचा हुआ है। हर जगह कपड़े हैं। मुझे ही सब करना होगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर लगाती हूँ। अब सारा सामान तरीके से रखा जाएगा। हर दिन के लिए एक आउटफिट। लो मॉम ने कर दिखाया। वेकी वेकी, स्कूल का टाइम हो गया। क्या, मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा था। चलो तैयार हो जाओ। टडा। चलो ठीक है, मैं उठ गई हूँ। देखो अब सब बिल्कुल साफ है। वाह मॉम, मुझे अपने सारे कपड़े दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमटे हुए हैं। कितना अच्छा आइडिया है और कितना बढ़िया लग रहा है। ओ नहीं, टाइम हो गया। तुम कितनी बुद्धू हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। थैंक्स मॉम, आप सबसे अच्छी हो। मेरा खुद का यूनिकॉर्न, वो कितना प्यारा है। पर उसमें कलर करना चाहिए। मेरे पेंस यही कहीं थे। ओह अच्छा नहीं लग रहा। हर जगह इंक है। मैं इसके साथ ड्रॉ नहीं कर सकती। मॉम, क्या हुआ स्वीटी? मेरे पेंस को देखो। ओह डार्लिंग, कोई बात नहीं। मम्मी जानती है क्या करना है।
सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे। गंदे हाथ लेकर नहीं बैठते। अब तुम्हारे बैग को। ये तो नहीं हो रहा। रुको जरा, हम तुम्हारे लिए नया बैग ले आएंगे। मुझे बस मेरा फोन चाहिए। वाह, बैग पैक तो बहुत महंगे हैं। सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को बस पैसे देखने दो। मुझे पता था ये सच नहीं हो सकता। मैं अपनी प्यारी बच्ची को ऐसा नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, शायद मैं जानती हूँ इसे ठीक कैसे किया जाए और शायद ये काम आए। इन के निशान को छिपाने के लिए आपको कलर फेल्ट चाहिए। फेल्ट को यूनिकॉर्न पार्ट्स में काटें, हर पार्ट पर ग्लू लगाएं, फेल्ट को अच्छे से कवर करें। अब पेस को बैक पर लगा दें। हर पार्ट को ऐसे ही लगाएं, एक यूनिकॉर्न बनाते हुए और उस निशान को कवर करते हुए। आंखें कैसे भूल सकते हैं, और हर यूनिकॉर्न की सुंदर आईलैशेस होती है। ये तो जादुई है। हाय स्वीटी, तुम ठीक तो हो? कम से कम मेरे हाथों से इंक हट गई। खैर, मम्मी ने ये बनाया। वाओ, एक यूनिकॉर्न बैग, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं डियर। ये परफेक्ट है। ये वाला मुझे आता है। समझ गई। हाँ, बढ़िया। मेरी पेंसिल टूट गई और मुझे यही चाहिए। तो कुछ करना होगा। तुम क्या कर रही हो? ये मेरी है। जल रही हो? ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी अजीब है। जो भी हो, मैंने अपना शार्पनर कहाँ रख दिया? नहीं, क्या यहाँ कुछ है? ओह, यहाँ तो गंदी गम्स लगी है। अब मैं क्या करूँ? आउच, मेरे शू में कुछ है। ये क्या है? मेरा शार्पनर। मैं जानती थी मैंने ऐसी कोई जगह पर रखा होगा। क्या ये स्मेल मेरे स्नीकर्स से आ रही है? ओह, बहुत बुरी है। कम से कम मुझे शार्पनर मिल गया। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे बस कुछ गम चाहिए। परफेक्ट, ये काम आ सकती है। मैं गम को अपनी रिंग पर लगा लूंगी और इस पर शार्पनर लगा लेंगे। अब ये कभी नहीं खोएगा। नैने, वो कितना फैशनेबल है और इस्तेमाल करने में भी आसान। अब मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ। लूना, ये मत करो। हाय। ठीक है, आ जाओ। मेरे पास थोड़ा होमवर्क है। ठीक है? ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी। ये अच्छा है। वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है। ये घर है, बस बन ही गया। हाँ, मेरा भी हो गया। देखो लूना, तुम ये क्या कर रही हो? आओ, नहीं ये मैंने नहीं किया। मेरी सारी बुक्स पर यही हो गया। सॉरी, पर ये सुंदर है। ये खराब हो गया। जरा ये देखो, अब मैं क्या करूं? रुको, ये इंक काम आएगी। थोड़ा क्रिएटिव आर्ट वर्क हो जाए। पहले नोटबुक पर एक पेपर रखें, अब एक पेन लें और पेपर पर पैटर्न्स बनाएं। वाइब्रेंट इफेक्ट देने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। अच्छा लग रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमें एक प्लास्टिक बैग चाहिए और इसमें इंक डालें। ध्यान रहे ये गिर ना जाए। जब ये हो जाए, बैग को सील करें और इसे नोटबुक पर रख दें। अब इंक को फैलाएं। एक फेल्ट ले और इससे नोटबुक का बॉर्डर बना ले। इसे नोटबुक पर लगाएं और मजे करें। जब आप बोर हो रहे हो तो टाइम पास करने के लिए ये बढ़िया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। हे, कोई बात नहीं। देखो, क्या ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो मजेदार है। फिर ये देखो, मैं कितनी अच्छी शेप्स बना रही हूँ। थैंक्स लूना। मेरी लुक पूरी हो गई। अरे नहीं, मैं अपनी ग्रैंडमा की तरह लग रही हूँ। मुझे और ऑप्शंस चाहिए। क्लोज़ेट आप खोलती हूँ। मुझे प्यारा सा ब्लाउज पहनना चाहिए। ये कितना सुंदर फ्लोरल है और इसके साथ प्यारी सी स्कर्ट मैच होगी। और बालों का क्या करें? चलो ये वाला ले।
और ये डो फिर डायनामाइट का सफर था। ये तो भूल ही गई थी। और ये छोटी छोटी डिटेल्स यही काम आती हैं। वाह, इन एंगल्स को देखो, ये ट्रायंगल से भी ज्यादा चेयर्ड है। मैं इसे मैथ की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकती हूँ। उसका चेहरा तो देखो, क्या बात मुझे देखेगा। ओह, कैसी हो? अच्छी लग रही हो। ओह नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। क्या वो मेरे पास आ रहा है? ओह, वो आनी से ही बात कर रहा है। ऐसी लड़की पर कौन ध्यान नहीं देगा। मेटालिक स्कर्ट मैं कभी नहीं पहन पाऊंगी, खासकर इनके साथ। हाय मॉम, बुरा दिन था। कम से कम तुम्हारा दिन इन्हें तय लगाने में नहीं बीता। चलो अच्छे बच्चे की तरह इसे रख दो। शुक्रिया स्वीटी। ये दिन और बुरा होता जा रहा है। एक मिनट रुको, मुझे पता है और अटेंशन कैसे मिलेगी। मैं ये सब बाद में करूंगी, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत चीजें हैं। ये बेहतर है। अब इसे बकल करते हैं। और अब जरूरी चीज, और मैं थोड़ी और इस्तेमाल कर सकती हूँ। काफी बेहतर है। और एक टॉप, मैं तो बिल्कुल अलग इंसान लग रही हूँ। अच्छी है ना? चलो देखते हैं अब वो क्या करता है। वो क्या एक लोई है? ओ हे, रातों रात ये क्या कमाल हो गया। तुम कह सकते हो, क्यों ना क्लास छोड़कर मूवी देखने चले। वो एक और डांस कंपटीशन। हाँ मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये क्या है? डांस क्लासेस? मेरी प्रेयर्स ने काम किया। चलो शुरू हो जाए दोस्तों। और एक दो तीन चार, पाओ। ये बढ़िया था, फिर मिलते हैं। हेलो, तुम डांस करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम ये कर सकती हो? मुझे नहीं लगता। मैं सीखना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा लेसन। चलो शुरू करें। 1 2 1 2 3 गो। आर्म्स ठीक है? ओह, और पैर, क्या ये ठीक है? अब एक बार साथ में और स्पिन। हे भगवान, तुमने कर दिखाया। हम इस पर काम करेंगे। मैं कम्पीट करने जा रही हूँ। मैजिक मूव्स दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे बहुत मुश्किल से ही नजर आ रहा है। हाँ, ऑडियंस पे ध्यान मत दो, बस मूव्स याद रखो। फोकस, स्पिन, स्माइल करना मत भूलना। बहुत अच्छा हुआ। वाह, उन्हें मैं पसंद आई, उन्हें मैं सच में पसंद आई। इन्हें देखो, ये किस चीज पर इतना हंस रहे हैं? मजा आ रहा होगा, मैं अपना सारा टाइम टेस्ट के लिए पढ़ता हूँ। हाँ, इससे मुझे दोस्त मिलेंगे, ये बहुत बढ़िया होगा। इससे वो मुझ पर ध्यान देंगे। यूहो, नेक्स्ट पीरियड के टेस्ट के आंसर्स चाहिए। हाँ, बाद में मिलते हैं। तुम्हें आंसर्स चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, शुक्रिया। दो मुझे पहले स्मूच चाहिए। किस?
ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये लो, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा लिप्स कहाँ है? ओह अच्छा, ये लो, ये असली किस नहीं थी। मुझे और ढंग से बताना चाहिए था। ये देखो, पढ़ो इसे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। मेरी कार की गैस खत्म हो गई थी। वो बहुत सुंदर है, मैं ये जरूर करूंगा। हाय, क्या? कुछ नहीं। ईयू, क्या तुम अपने दांत ब्रश करते हो? कि बहुत शर्मनाक है। क्या हुआ? ये हुआ। ओह, ये बहुत ही बुरा है। ओह, एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वैक्स पेपर है, इस तरह उसका स्क्वायर काटें और फिर उस पर टूथपेस्ट डालें और अब बेकिंग सोडा अच्छे से डालें और अपनी उंगली से इसे फैला दें। अब इसे इस तरह अपने दांतों पर लगा दें, नीचे वाला ना भूलें और अब हम इंतजार करेंगे। अब इसे निकाल देते हैं। हेलो पर्ली वाइट, ये सीट फ्री है, यही मेरा मौका है, मैं उसे स्माइल करूंगा। तुम्हारी दांत तो बिल्कुल डायमंड्स की तरह है, लड़कियों का दिल ऐसे ही जीता जाता है। ये सूट अभी भी अच्छा लगता है, मुझे ग्रैंडपा की चीजों से प्यार है, मैं अच्छा लग रहा हूँ। हे, तुम ये पहनने वाले हो? लोफर्स? तुम क्या कर रहे हो? ये रॉक कॉन्सर्ट है, मैं पहले कभी वहां नहीं गया, मुझे लगा ये सही रहेगा। एक सेकंड रुको, मेरी लिप रिंग, ये दर्द नहीं देगा। ये किस लिए है? बिल्कुल नहीं, तुम पर अच्छी लगेगी, चलो भी। नहीं, ओ हाँ, मेरे पास मत आओ, मुझे करना आता है। हटो यहाँ से, यहाँ कोई पियर्सिंग नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल, स्टेपल्स लो, जो तुम्हारी नई नोज रिंग बनेगी। पेन या मार्कर ले और इसे इस पर लपेटें, बस यही करना है। कूल बनने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी नई पियर्सिंग से मिलो दोस्त, इसमें होल्स भी नहीं चाहिए। मुझे अभी से रॉकर जैसा लग रहा है और मुझ पर लेदर जचता है। आउच, कूल गंदा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता है ना? ओह बढ़िया एमी, लेकिन तब क्या हो जब हम तुम्हें बताएं कि तुम सारा टाइम स्कूल में गलत कर रही थी, अपनी पेंसिल्स उठा ली और हम आपको कुछ स्कूल के हैक्स बताएंगे जिससे आप अपने आप को स्कूल का सबसे समझदार बच्चा समझेंगे। मेरी आंखें हमेशा इतना भारी क्यों महसूस करती हैं? हमेशा लंच के बाद क्लास में। क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ मिस सोफिया? उठ जाओ। क्या? ओह नहीं, फिर से सहल गया। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। बहुत ज्यादा बोरिंग लेक्चर्स में क्या ऐसे ग्लासेस चाहिए पहनने के लिए? ऐसे ग्लासेस में अपनी एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रिंट कर ले और दोनों लेंसेस को काट दे और अपने असली चश्मों पर इन दोनों को लगा दे। आप आंखों पर डबल साइडेड टेप या फिर ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फिट हो गया। वो ये तो बिल्कुल असली दिखते हैं। और जब अगली बार आप बोरिंग क्लास में बैठे होंगे और जागने के लिए लड़ रहे होंगे तो इनको पहन लें और अपनी सपनों की दुनिया में चली जाएं। हे सोफिया, क्या तुम सोफिया? इससे पता लगा, मैं बाद में इसे अपने नोट्स दे दूंगी, इसे उनकी बहुत जरूरत होगी। अच्छे सपने देखो लड़की। एक और दिन और एक और मजेदार प्रोजेक्ट।
हे, इनके साथ क्या हुआ? ये कट क्यों नहीं रहे? इन बेकार कैदियों से ज्यादा कुछ भी और गुस्सा नहीं दिलाता। सोफिया, क्या मैं तुम्हारी कैंची ले सकती हूँ प्लीज? सोचना भी मत। ओह, सोफिया इतनी बुरी कैसे हो सकती है? ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूँ? वैसे मेरे पास ये दो स्केल है, शायद ये काम कर जाए। इस तरह के दो स्केल ले, कैंची के ब्लेड्स की तरह इन्हें क्रिस क्रॉस करें। जैसे आप एक पेज पर जाती हैं। वो तुमने कैसे किया? वो तुमने कैसे किया? ये सच में काम करता है। इसमें कुछ कलात्मकता की जरूरत पड़ती है और बस अपने आसपास की चीजों को इस्तेमाल करना। अब आप इसे क्राफ्टी कह सकते हैं। ओह, लगता है रिसेस टाइम हो गया। हे दोस्तों, तुम्हें इस वीडियो को देखना चाहिए। ये बहुत बेकार है। चिंता मत करो लड़कियों, मैं करती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, फिर से गलत। वैसे मुझे लगता है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं इसमें से एक पेपर क्लिप लेती हूँ। हमें यही तो चाहिए। इस तरह से क्लिप को बेंड करें। अब इसी तरीके से बेंड की टिप को करें। अब ऊपर आने वाले पीसेस के साथ इन्हें रख दें। अब इस छोटे से स्लॉट में अपना फोन रखें। और ये रहा। अब आप अपनी फेवरेट वीडियोस आराम से देख सकते हैं। ओह, ये विकी मुझे बहुत ही मजेदार लगती है। और जब बारी आती है मैथ क्लास की, मिया को सारे आंसर्स पता होते हैं। ओह नहीं, मुझे मत उठाना, मुझे मत उठाना। ओहो, अट्ठाईस? नहीं, हाँ, ये 27 है। क्या ये सही है? एमी, यहाँ, ये 36 है। अगला वाला 36 है। ठीक है, आ गया समझ। ये 33 है। सच में? मैंने कोशिश की। मैं ठीक कर दूंगी टीचर, मुझे बुलाओ। जब यहाँ 9 के मल्टीपल आते हैं, तो तुम्हें बस 10 तक काउंट करना है। देखो, अब ऐसा ही करें, लेकिन उल्टा 0 से 10 तक। आह, सही होना बहुत बढ़िया लगता है ना? रुको, मुझे अब समझ आया। मुझे इसे लिख लेना चाहिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। वैसे ये ट्रिक सारी टेबल्स में नहीं चलती, लेकिन नंबर के पैटर्न्स बनाना आपको हमेशा मदद करेगा। कभी कभी आपके दिमाग को एक लेक्चर को सहन करने के लिए खाना चाहिए होता है, लेकिन जब हेल्दी नहीं होते। ओह, ये अच्छे हैं। ओह, ये तेज तेज चबाना बंद करो मिया। अगर आप क्रंचीज दिन में खाने वाले इंसानों में से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे छुपा कर कैसे खाएं। इस पैकेट के साइड में से एक पेन या पेंसिल निकालें। अब इसे अपने और अपने पड़ोसी के डेस्क के बीच में लगा लें। क्या इसे मैं हूँ या फिर ये सच में ऐसे खाने में ज्यादा बेहतर है? ओह, टीचर ने 10 बजे पकड़ लिया। जब समय है इसे छुपाने का, तो इस बैग को पीछे कर दें और इसके ऊपर एक किताब रख दें। ओह, हेलो, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, मुझे इस टेस्ट में अपनी चीट शीट कहाँ रखनी चाहिए? वैसे मिया, अब तो तुम इसे बिल्कुल अपनी बाजू में नहीं रखोगी। तुम्हें याद है पिछली बार क्या हुआ था? या फिर जब तुमने उसे अपनी सॉक में रखा था और तुम्हें याद भी नहीं था कि वो कहाँ गिर गया? और वो तो बिल्कुल भी मत भूलना, जब तुमने सारी जगह इंक कर दी थी। हे मिया, क्या दोबारा से चीट शीट प्रॉब्लम हो रही है? इस बार तुम इसे मेरी फीट पर ही क्यों नहीं लगा देती? ओ, दोस्त इसे ले होती है ना? बस ये ध्यान रहे कि तुम्हारे बालों से ही कवर रहे। जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। शायद ये वक्त थोड़ी मदद का है। एमी, चलो। ओ, चलो मैं अपने सुंदर बालों को इस तरह लहराती हूँ। ये रहा। हाँ, देखो आज का टेस्ट कैसा जाता है। हे, ध्यान से देख कर चलो दोस्त। मेरे सारे नोट्स का ऑर्डर खराब हो गया। ठीक है, घबराओ मत।
पागल लड़का। चलो देखते हैं मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। हे, क्या मैं स्टेपलर ले सकती हूँ? अब मेरे सारे पेपर ऑर्डर में रहेंगे। क्या स्टेपलर इसमें से बाहर नहीं आएंगे? हे भगवान, क्या ये दिन और बुरा हो सकता है? रुको, मुझे पता है। अगर आपके पास बॉक्स कटर या ब्लेड है तो पेपर के कोने पर इस तरह से कुछ कट लगाएं। अब ऊपर का कोना स्लिट के अंदर टक कर दें। और घबराएं नहीं, आपके पेपर सुरक्षित रहेंगे। देखें, मुझे पता है तुम इम्प्रेस्ड हो, बस मुझे चालाक रानी कहो। स्कूल वापस शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है आपका दिमाग इन दिनों मुश्किल काम कर रहा है। चाहे जो भी हो, स्कूल के दिन बिताने में देरी नहीं हो और अब अपने जिंदगी के लेसन सीख ले। हाँ, आपके पास आ रही है कुछ स्कूल के हैक्स। कुछ लोगों के लिए पढ़ना एक आर्ट है, बोरिंग रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मजाकिया तरीके अपनाना। मैं हमेशा अपने नोट्स को अंडरलाइन करती हूँ और ये बहुत बढ़िया रहते हैं। ये किस तरह का हाइलाइटर है? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ जानकारी दूंगी। सोफिया, बस इस तरह का एक पीला हाइलाइटर लो और इसके टिप पर कुछ अलग अलग रंग डाल दो। तुम इसे 3 से ज्यादा अलग अलग भी डाल सकती हो। देखा, ये कितना आसान है, इसे ट्राई करो। वो, ये तो सुंदर रेनबो है जो ये बोरिंग साइंस को मजेदार बना रहा है। हाँ, इस हाइलाइटर ने तो मेरे छोटे छोटे पेंस को हरा दिया और पढ़ना एकदम से इतना बुरा नहीं हुआ। चलो देखते हैं मुझे आज कौन सी बुक्स की जरूरत है। ओह, अपना पेन मत भूलना। क्या क्या आज मैथ्स का टेस्ट है? मैं ये भूल कैसे सकती हूँ? मैं पढ़ी भी नहीं, अब मैं इसे कैसे दूंगी? अपने स्कूल के साल की इतनी अच्छी शुरुआत भी की। एक मिनट रुको, शायद ये बैंडेड मेरा दिन बचा ले। अगर आप एक टेस्ट से पहले बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपनी चीट शीट के लिए इस बैंडेड का इस्तेमाल करें। बस ध्यान रहे कि पेपर बैंडेड से छोटा है और आप जाने के लिए तैयार हैं। अब इसे बस अपनी उंगली पर लपेट लें ताकि इसे कोई न देख पाए। अब सब कुछ ठीक करने के लिए बैंडेड पर छोड़ दें। ठीक है, मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। ये बस पहला क्वेश्चन है और मैं पहले से ही खो गई। ठीक है, अब ये समय है बस देखने का मेरे दोस्त। ओह हाँ, अब मुझे ये फॉर्मूला याद आया। जल्दी बैंडेड को वापस लगा दो टीचर के देखने से पहले। तुम तो बहुत स्मूथ ऑपरेटर हो गए। हे, क्या किसी का आज बर्थडे है? फ्रेंडशिप के मामले में तुम लोगों को A+ मिलने चाहिए। ओहो, ये तुमने बुलाया मी? ऐसा लगता है कि सोफिया पेंसिल शार्प कर करके बोर हो गई। इस चीज से बहुत ज्यादा गंद मच गया है ना? ठीक है मी, इतना ज्यादा मत फुलाओ। ओह, हमारे पास एक व्हाइट वन है बहनों और भाइयों। ओह, ये मेरे पेंसिल शेविंग्स के ऊपर गिर गया। क्या आपने कभी हैप्पी एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है? इस छोटे एक्सीडेंट से एक बहुत ही अच्छा आइडिया आने वाला है। अगर आप हर जगह पेंसिल शेविंग से परेशान हो गए हैं, तो एक बिना फुले हुए बलून में शार्पनर को डालें। अब आपको गंद मचाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत तेज हो सोफिया। ओहो, इस टेस्ट से तो मुझे भूख लग रही है। हाँ, बस थोड़ा सा मीठा ही तो मुझे अभी चाहिए। मुझे पहले कौन सी खानी चाहिए? ओह ठीक है, तुम इसे वापस ले सकते हो। मुझे लगता है मुझे लंच तक वेट नहीं होगा। रुक जाओ, और ज्यादा स्वादिष्ट चॉकलेट। हे भगवान, इस लड़की को तो इसे अकेले खाने का मौका मिला था। एक मिनट रुको, मुझे पता है क्या करना है। बाइंडर्स को अपने डेस्क पर रखें और मेटल रिंग्स को खोल दें। एक स्लीव निकालें और इसे रिंग्स पर लगा दें। इसमें से निकालें अगर हो सके। अब अपनी फेवरेट ट्रीट को क्लियर स्लीव के अंदर डाल दें। अब आपके पास अपना सीक्रेट स्टैश है। क्या रास्ता साफ है, अब समय है सीक्रेट स्नैक खाने का। यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं। क्या तुम अपने काम पे नहीं ध्यान दे सकते? तुमने अच्छा खेला लिली। अब ये समय है अपने अच्छे काम को एक रिवॉर्ड देने का। ओह हाँ, ये अच्छा है।
हम सबको ये आवाज़ पता है। उठ जाओ केविन, ये उठने का समय है। नहीं, स्नूज का बटन मत दबाओ, तुम्हें क्लास पर जाना है। ओहो, केविन ने तो एक डरावनी स्नूज साइकिल बना रखी है। हाँ, अब वो गया काम से। केविन, तुम्हें जाना है दोस्त। ओहो, कितनी अच्छी नींद थी। जब आप अच्छे से सोते हैं, तो उस फीलिंग के आगे कुछ भी नहीं। बस तब तक जब तक आपको ये ना पता चले कि आपने दिन की दो क्लासेस सो कर बिताई है। अगर मैं छुप कर अंदर चला जाऊँ तो शायद टीचर को पता न चले मैं लेट हूँ। ओह, मैं पकड़े जाने वाला था। पर मुझे बिल्कुल नहीं पता टीचर किस बारे में बात कर रही है। ये स्नूज की आदत को कैसे रोका जाए। ओह, काश ये चीज मुझ पर इतने ज्यादा भारी न पड़ती। लेकिन इस बार मैं इस पर भारी पड़ूंगा। अगर आपके पास इस तरह के अलार्म क्लॉक है जैसे केविन की है, तो आप इस स्नूज बटन को जरूर हटाना चाहेंगे। तो बहुत सारी पुशपिंस ले और इसे अपने अलार्म की बटन्स पर लगा दे। अब इसके ऊपर टेप लगा दे, इसमें से पिंस निकलते हुए। आउच! चलो देखते हैं कि ये काम करता है। अच्छे से सोना केविन। केविन नहीं, पिंस! और हाँ, इसने काम किया। चलो देखो क्लास में सबसे पहले कौन आया। हे केविन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी देखकर सरप्राइज हूँ, और पता चला कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, उससे भी ज्यादा जितना मैंने सोचा था। जिसने भी हमारी आर्ट क्लास ली है सबको पता है कि एक परफेक्ट सर्कल बनाना जरूरी है। बदकिस्मती से इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। अच्छा किया टीचर। हे लिली, तुम्हारी सर्कल कैसे है? ये अच्छा नहीं लग रहा। ये सर्कल तो परफेक्ट से बहुत दूर है। माफ करना लिली, घबराओ मत दोस्त, यहाँ पर एक आसान तरीका है। क्या यहाँ किसी के पास रबर बैंड है? ओह, मैं लाना के हेयर टाइज इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर आपके पास दो पेंसिल्स और एक रबर बैंड है, तो आप अपना खुद का कंपास बना सकते हैं। बस दो पेंसिल्स ऊपर से अटैच कर लें और उसके ऊपर कसकर रबर बैंड या हेयर इलास्टिक लगा दें। अब तीसरी पेंसिल लें और इसे नीचे की तरफ से निकालें। इसे एक ही तरह दिखना चाहिए। अब दो और रबर बैंड लें और तीसरी पेंसिल को इस तरह से इन दोनों के साथ लगा दें। दूसरी तरफ को मत भूलना। तो चलो, ये अच्छा है ना? अब आप आराम से सर्कल्स बना सकते हैं। वाह, ये तो परफेक्ट है। अब आप बड़े और छोटे सर्कल्स के लिए अपनी पेंसिल की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। हे, मेरे हेयर टाइज कहाँ गए? लिली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इन सब के पीछे हो? पागल मत हो, मेरे सर्कल्स को देखो। ये हमेशा तुम्हारे साथ होता है ना लिली? क्लासरूम में आखिर में बैठने का मतलब, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छुप कर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ना करें। ध्यान देना। ओह, माफ करना टीचर, मैं बस अपना मेकअप पूरा कर रही थी। मैं इसे दूर रख देती हूँ। ऐसा लगता है केविन इस गेम में एक कदम आगे है। उसने कुछ भी नहीं देखा। मैं पकड़ा जाता। ठीक है, अब दोबारा से गेम। हे, तुम ये कैसे कर रहे हो केविन? मुझे भी खेलना है। मैं बस यहाँ बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहती। क्या आपको भी केविन की तरह ऐसी नोटबुक चाहिए? बस पेज के बीच में अपना कुछ भी जैसे मेकअप, गेम या जो भी रख ले और पेंसिल से आउटलाइन कर दे। अब इसे हटा लें और तेज ब्लेड से इन लाइंस के साथ साथ काट लें। ओह, उंगलियां बचाकर बीच के हिस्से निकाल लें और आपको मिली है एक सीक्रेट एक्टिविटी नोटबुक। अच्छे से फिट हो गया। अब आप क्लास में मेकअप कर सकते हैं बिना कहीं जाए। ये अच्छा है ना? जल्दी, टीचर ने उधर देखना शुरू किया। ये आई शेडो के लिए सही समय है। अच्छी दिख रही हो दोस्त। ऐसा लगता है कि तुमने टीचर से ज्यादा मुझसे सीखा है। ओह, टीचर आ गई। आराम से बैठो। हे टीचर, देखो हम काम कर रहे हैं। वाह, अभी पक नहीं जाते। बुरा बन के अच्छा लगता है ना? ठीक है, चलो वापस काम पर लग जाओ, तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, याद है ना? एक और दिन, एक और मुश्किल मैथ्स का टेस्ट। पर अगर इक्वेशन इतनी मुश्किल ना हो तो एक टूटा हुआ कैलकुलेटर चीजों को और खराब कर सकता है। आह, इसे क्या हुआ? क्या है ये कल तक काम कर रहा था। इसे नई बैटरी की जरूरत होगी।
चलो देखते हैं, मैं इसे बस रिप्लेस करूंगी और ये ठीक हो जाएगा। ओ नहीं, मैं गलत साइज की बैटरी ले आई। मैं मान ही नहीं सकती, मैं क्या करूं? ओ ये तो गलत हुआ है ना। हे लाना, लिली के हाथ में गमला पर देखो, क्या तुम्हें लगता है ये मदद करेगा? हे मुझे ये दे दो। अगर आपके साथ भी ऐसा बैटरी जाम होता है जैसे यहाँ लाना के साथ हुआ, तो आशा मत खोना। बस एक फॉइल गम रैपर लो इस तरह का और इसके एक बॉल बना लो। बस ध्यान रहे कि फॉइल बाहर की तरफ हो। रैपर को मेटल कॉइल के आगे रखें। अब फॉइल के आगे बैटरी लगा दे जैसे कि एक रेगुलर कॉइल है। अब समय है सच्चाई का। हाँ हमारे पास पावर है। फिर मैं एक मिनट के लिए घबरा गई थी, कैसे पता था मेरी गम इस दिन को बचाएगी। स्कूल शुरू हो गए जिसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन टीचर क्लास सुबह सुबह आना बहुत बड़ा चैलेंज है और हम आपकी यहाँ मदद करेंगे। जल्दी से सोच कर और क्राफ्टिंग कर कल के अलजेब्रा टेस्ट के लिए पढ़ना भूल गए। इरेजर को बिल्कुल बीच से काटें पर पूरा ब्लेड ना लेकर जाएं। अब इरेजर को दूसरी तरफ से काटें और उसमें से चंक निकाल लें। अब इसे सीधा रखें आगे की तरफ। अब दोनों तरफ ग्लू लगाएं। अब एक छोटी शीट पर जो भी इक्वेशन चाहिए वो लिख लें और इरेजर पर लगा दें। जब ये सूख जाए तो बंद कर दें। मैंने सुना है तुम इरेजर बेच रही हो, मैं कैंडी लूंगी। बिल्कुल, बाई तरफ अलजेब्रा और दाई तरफ कैलकुलस। अपना वाला ले लो, जल्दी करो बच्चे। हाँ चलो अब जाओ। हाँ एग्जाम का समय पर लड़कियों की बाजुओं में आंसर्स हैं। या इरेजर्स? ये सवाल तो मुश्किल है। शुक्र है उनके पास बैकअप है। ओह हाँ समझ गए। वाह किसे पता था कि इस छोटे से पेपर के ऊपर इतने सारे फॉर्मूलाज होंगे। नहीं अभी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से लीली, टीचर बिल्कुल यहीं पर है। समय खत्म हो गया, अपना पेपर दे दो लड़कियों। वापस मत देना, हमें पता है हमने बहुत अच्छा किया है। बढ़िया, तो हम आज क्या करने वाले हैं? ओ नहीं ये गीला गीला क्या है? लगता है कि तुम्हारे बैग में कोई एक पेन लीक हो गया, वो भी सारे सामान पर। एमी ईव बहुत गंदा है ना, लेकिन शायद आपका सारा सामान खराब नहीं हुआ। हाँ दिमाग की बत्ती जली। अपने पेन पेंसिल्स को कुछ रंग देना चाहते हैं तो एक बड़े कंटेनर में पानी भरें और उसमें अपनी मनपसंद नेल पॉलिश डालें। पानी में पॉलिश को अच्छे से डाल दें। अब आप इसमें अलग अलग रंग डाल सकते हैं। अब एक पेंसिल लें और इसे लिक्विड में आराम से डुबो दें और इसी तरह इसे बाहर भी निकाल लें। अब जितना चाहे उतनी बार ये कर सकते हैं और अलग अलग रंगों से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। वाह तुम ऐसी पेंसिल्स कहाँ से लाई? तुम्हें भी चाहिए? शुक्रिया एमी, चीजों को अच्छा बनाना सीखो दोस्त। वो लिली तुम्हें यहाँ सीट बेल्ट पहनकर बैठना चाहिए। हे मेरी बुक, ओहो मैं भूल गई कि मैं कहाँ थी। बहुत बहुत शुक्रिया लिली। यिक्स बुरा लग रहा है लिली, शायद मैं इसे अब बना सकूं। आपको बस एक पेपर क्लिप चाहिए। इस तरह का एक पेपर क्लिप ले और इसे ऐसे मोड़े। देखा ये थोड़ा एक्स की तरह दिखेगा। अब आप अलग अलग रंगों के पेपर क्लिप्स के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ओह ये कितने प्यारे है। हे एमी ये देखो, अब तुम ये कभी भी नहीं भूलोगी। ओह ये तो दिल के आकार में है। हाँ बिल्कुल, और मैंने अपने लिए भी कुछ बनाए हैं। लिली हाँ, केविन के लाल नाखून है, मुझे देखना होगा। ठीक है टीचर के देखने से पहले मुझे इसे साइड रखना होगा। ओ नहीं अब सब मेरे नोट्स देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या है? क्या ये नोट्स है? चलो इसे पढ़ें। टीचर का हेयर स्टाइल मजाक किया है। तुम पूरी रात पेपर चेक करो और फिर देखेंगे कि तुम सुबह कैसे उठती हो। मेरे सारे नोट्स में से काश उसने वो वाला ना पढ़ा हो।
ऐसी चीजों को संभाल कर रखना है तो एक नोटबुक ले और उसके आधे साइज का एक पेपर काटे। अब ग्लू स्टिक ले और साइड पर लगाए। अब पेपर को घुमाए और बुक के नीचे की तरफ लगाए। इसे पक्का करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करें। अब कुछ सजावटी टेप लें और जैसा डिजाइन चाहे वैसा लगा दें। हमने पॉकेट के बॉर्डर के लिए दिल चुने हैं, कोनों को टक करना ना भूलें। वाह, ये नोट पॉकेट को तो देखो। हे मीम, मेरे लिए और नोट है। अब तुम्हें उसके गिरने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेक्चर को एक सेकंड रोको, एमी एक बबल फुलाने वाली है। आह नहीं, ओहो टीचर आ गई। क्या मैं तुम्हारी नोट्स देख सकती हूँ एमी? वाह, नोटबुक का क्या हाल बनाया हुआ है। ये तुम कैसे करती हो? शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी नोटबुक ले ली, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट है ना? हर बार की तरह ए प्लस। हे, तुम अपनी नोटबुक इतनी साफ कैसे रखती हो? लगता है हमारे सामने एक निफ्टी पेपर हैक है। हमें भी सिखाना चाहोगी लिली कि तुम अपना पेज प्रोटेक्टर खुद कैसे बना सकते हो? बस एक स्क्वायर लेकर एक कोने से दूसरे को मिला दो। अब दूसरा कोना ले और इसे ऊपर वाले से जोड़ दे। दूसरी साइड से भी यही करें। जब प्रेसेस आ जाए तो इन्हें खोले, ऊपर के कोने को नीचे लेकर आए और अच्छे से दबाए। और अब सारे कोनों को बनी हुई पॉकेट में डाल दें। ध्यान रहे कि कोने अच्छे से टक हो गए हो। अब इसे उल्टा करें ताकि मुड़ा हुआ हिस्सा इससे दूर हो। और अब ऊपर एक बंद आंखें बनाए पलकों के साथ। अलग अलग रंगों के पेपर लगाकर फ्रेंच बनाए और इसे फोल्ड पर ही चिपका दें। अब एक चमकीला हॉर्न लगाए और आपको मिल गया एक पेपर यूनिकॉर्न। अब आप अपने पेजेस को मुड़ने से रोक सकते हैं। बहुत प्यारा है। इतनी अच्छी टिप के लिए शुक्रिया लिली। आखिरकार दिन की आखिरी क्लास। चलो ठीक है, मुझे ये सब चाहिए होंगे। मुझे पता था यही होगा। ओ नहीं, एमी आ गई। हे ध्यान से दोस्त। ओहो अब वो गई। हे भगवान, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? नहीं कसम से नहीं। ठीक है, और शायद मुझे पता है कि कैसे ठीक होगा। कोई खाली बोतल पड़ी है, इसे इस तरह ऊपर से ब्लेड से काटे हाथ बचाकर। अब एक फ्री स्टैंडिंग ज़िपर ले और उसे आधा खोल दे। कपड़े के एक स्ट्रिप पर हॉट ग्लू लगाए। बस अपनी उंगलियों पर ना लगा ले। इसके सूखने से पहले बोतल के आधे हिस्से पर इस कपड़े को लगा दे जो आपने पहले से काट रखी है। अब पेन्स और मार्कर्स ले और उन्हें पेंसिल के इसके बीच में डाल दे। अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। तुम्हें मार्कर चाहिए लिली? ओ कितनी अच्छी हो, शुक्रिया। जब आप अपने घर पर इतना प्यारा सा केस बना सकते हैं तो स्टोर पर जाकर पैसे क्यों खर्चने? क्या टेस्ट की वेट करने से भी मुश्किल कोई चीज हो सकती है? चलो इसे साथ में देखते हैं, ठीक है? क्या मुझे एफ मिला है? और तुम्हारा क्या एमी? ठीक है केविन, तुम्हें पता है हमें क्या करना है? और ये समय है पुरानी शब्द बदलने की ट्रिक। मानो या ना मानो, अपने टेस्ट पर ये लाना बहुत ही आसान है। बस एक तेज नजर और कलात्मकता ये काम करेगी। चिंता ना करें, हमारे पास ऐसी ही और बहुत सारी ट्रिक्स हैं आपके स्कूल के दिनों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए। ठीक है एमी, अपना फोन देना होगा इससे पहले कि तुम टेस्ट स्टार्ट करो। कितनी अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है, अब मुझे बाकी दे दो। हाँ, तुम्हें कैसे पता था? अगर आपकी टीचर आपकी सारी चीट शीट्स ले ले तो आप क्या करेंगे? हाँ ये वाली भी। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये ले जा पाओगी? अच्छा लग शायद। ठीक है केविन, अपना फोन दे दो। या मुझे कुछ और जानना है? नहीं, मैं कभी चीटिंग नहीं सोचूंगा। मैं बस अपना सोडा लाया हूँ। अगर आपको अपनी चीट शीट को कहीं छिपाना है तो सोडा की बोतल को उल्टा करें, फिर एक तेज मार्कर से प्लास्टिक के ऊपर अपने फॉर्मूलाज लिख लें। पर ये फॉर्मूलाज इतने लंबे, टीचर ये कैसे नहीं देखेगी? क्योंकि जब आप बोतल उल्टी करेंगे तो सोडा इसे कवर कर लेगा इस तरह। तो जब आप एग्जाम दे रहे हो, आप एक पुरानी सोडा बोतल पे भरोसा कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए।
ओहो, ग्रेड्स दोबारा आ गए। वैसे ये तभी होता है जब आप अपनी चीट शीट पर भरोसा कर रहे होते हैं या फिर छुपी हुई। किसने कहा अलजेब्रा इतना मुश्किल होता है? हमको शेयर करना चाहिए है ना केविन? हाँ, पर मैं अपने ट्रैक को कवर तो कर लूँ। अब तुम इसे देखोगी? नहीं देख सकती। वाह, स्केट बोर्डर ने वो खा लिया। उप्स, माफ करना टीचर, मैं रख दूंगा। शायद हमें इसे स्कूल के बाद देखना होगा। जब तक मेरे पास एक अच्छा आइडिया नहीं आता। एमी, क्या वो हम पुरानी फोन देखने वाली ट्रिक आजमा सकते हैं? अगली बार जब आप क्लास में वीडियो देखें, तो अपने आगे वाले इंसान की मदद लें। अपनी दोस्त की शर्ट के नीचे एक फोन केस लगा दे इस तरह, और शर्ट को वहीं रख के अपने फोन को उसमें लगा दे, बस उसे टाइट रखें। हे, ये क्या था? अह, सच में केविन, भूल मत जाना कि आपकी दोस्त उससे अभी लगी हुई है। आवाज बंद करना ना भूलना, नहीं तो आप काम से गए। केविन, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? मुझे जाकर देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। जल्दी इसे छुपा लो। ओह हे मिसेज एप्पलबी, आप इस तरफ कैसे आ गई? ये बहुत बुरा होने वाला था। ठीक है एमी, अब सब साफ है। हे केविन, ऐसा लगता है एमी ने कर दिखाया। वो बस क्लास में 10 मिनट लेट है। ये केविन क्या कर रहा है? रुको, आज सर्कल डे तो नहीं है क्या? ओ नहीं, मैं अपने टूल्स लाना भूल गई। चलो भी, मेरे पास कुछ होगा। ये मार्कर्स दिन बचा सकते हैं। अपना खुद का कंपास बनाने के लिए अपनी उंगलियों को एक पेपर पर रखें, जैसे आप अपने हाथ से इसे बनाते हैं। देखा, अगर आप इसे ढंग से पकड़ेंगे आपको एक बढ़िया सर्कल मिलेगा। हाँ, ये अच्छा दिखता है। तुम नहीं जान पाए होगे कि ये फ्री हैंड सर्कल है ना? वो टीचर भी पागल बन गया। लगता है केविन अपने रूम में बाकी सब कर रहा है, अपने होमवर्क को छोड़ के। केविन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। लगता है मजा खत्म हुआ केविन, अब समय है दोबारा से काम पर लग जाने का। लगता है मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन माँ जब दूर होती है तो केविन खेलेगा। अपने कमरे में वीडियोस देखना अच्छा है, लेकिन आपको एक एस्केप प्लान रखना पड़ता है। ऊपर के कोने पर नीचे की तरफ मुंह करके दो प्लास्टिक हुक्स लगाएं। अब इसके ऊपर एक और लगाएं दीवार पर इस तरह। अब एक बंजी कॉर्ड ले नॉटेड पहली हुक पर। अब दूसरे को इसमें से निकाल लें, और जहाँ पर आप दूसरा हुक डालेंगे उस डोर पोस्ट पर दूसरी साइड पर उसे स्ट्रिंग कर दें। जब ये हुक पर हो तो अपने फोन के पीछे का हिस्सा कॉर्ड के किनारे पर लगा दें इस तरह। तो अगली बार जब आप काम करते हुए वीडियो देख रहे हो और आपकी माँ एकदम से आ जाए, तो आपको पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं। ऐसा लग रहा है केविन अपना सही में काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता था ये दिन आएगा, लेकिन अब वो मेरी सुनता है। और इस तरह से आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। कार्ची, इस वीडियो को 1 घंटे के लिए देखें। बढ़िया है। क्लासेस के बीच में अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक देने के लिए खेलना कोई बुरी बात नहीं, जब तक ये किसी को ना लगे। अंदर बॉल से खेलने में एक ही खराबी है कि ये जब तक किसी को ना लगे। और बेचारी एमी उसे देख भी नहीं पाई। बैम! ओह, ये बहुत दर्द होगा। एमी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ईयर खराब हो गई। ओह नहीं, मेरी इयररिंग्स खराब हो गए। तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हारे अंदर फैशन की रिस्पेक्ट नहीं। हे भगवान, एमी बहुत ड्रामा करती है ना? अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो कलर क्लिप से नई इयररिंग्स बना लें। इन्हें ट्रायंगल शेप में अनबॉक्स करने के बाद जहाँ मेटल अलग होते हैं वहाँ क्लियर ग्लू डालें। एक बार ग्लू सूखने के बाद थ्रेड को इसके आसपास लपेटें, अच्छे से कवर करते हुए। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम भी ट्रस्ट करें ये सही होगा। जब ये हो जाए तो कुछ और ग्लू लें स्ट्रिंग के एंड को सिक्योर करने के लिए। और आखिरी ये इयररिंग पीस का इस्तेमाल करें इसे ट्रायंगल से डैंगल करने के लिए। और आपके जानने से पहले आपको ये नए और सुंदर इयररिंग्स मिल गए। ओह, कौन जानता था कि कुछ सेकंड्स में एमी का कॉन्फिडेंस 5 से 10 हो जाएगा सिर्फ इन स्पंकी ज्वेलरी की वजह से। हाँ, ये सही है, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। केविन, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि अपनी आँखें बॉल पर भी रखनी है? ये चीज तुम्हें भी देखनी चाहिए जस्टिन। लेकिन अगर पिक्चर में सुंदर लड़की आती है तो लड़के स्पोर्ट्स को भूल ही जाते हैं। ओ
देखो ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये काम एक खाली ग्लू की बोतल नहीं खराब कर सकती। चलो भी इसमें थोड़ा सा बचा होना चाहिए। ओह, एमी अपना समय बर्बाद कर रही है। ठीक है ये मुझे दो। तुम्हें इसके लिए बस एक लड़की की शक्ति चाहिए, भरोसा करो। ठीक है बस मुझे एक मिनट दो। अब हो रहा है मिशन मेजर मसल स्ट्रेंथ। निकल जाओ निकल जाओ। इससे बेहतर तरीका हो सकता है करने का। मुझे पता है इसमें ग्लू है। वो ग्लू बाहर आ रही है और वो गुस्से में है। ओहो, मुझे बस थोड़ा चाहिए था, पूरे हाथ में नहीं एक। हाँ ये मैन स्ट्रेंथ है। अगर आपकी ग्लू कैप्स भी सूखे ग्लू से ढक चुकी है तो इन्हें एक बोल में डालें और इन्हें थोड़ा नहलाएं। साधारण तेल सारी कैप्स पर डालें। बस ध्यान रही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इन्हें सोख लेने दें ताकि इससे ग्लू हट जाए। अब एक नैपकिन लें और एक कैप को एक बार में साफ कर लें। देखा बेकार नहीं हुआ और ग्लू क्रस्ट निकल गयी। आखिरकार ग्लू से कुछ खराब होने की चिंता नहीं जब आप अपने मास्टरपीस पर काम कर रहे हो। बिल्कुल साफ ग्लू लग हुई जहाँ आपको चाहिए। ओहो मुझे लगता है मेरे हाथों से कभी नहीं जाएगी। नहीं ये चीज मुझसे दूर रखो। कॉलेज लाइफ सबसे मजेदार होती है। खैर अक्सर पर कभी कभी खुद पे विश्वास करना अलग अलग चैलेंजेस लेकर आता है। पर हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेज हैक्स हैं जो आपको बहुत मजा करा सकते हैं। कल रात की पार्टी खतरनाक थी। ओ नहीं एग्जाम। हम अपनी चीट शीट कैसे बनाए? तुम क्या कर रहे हो? ओह एग्जाम के बारे में भूल गए। हाँ गुड लक। ये काम करेगा। अब सब किस्मत के हाथ में है। यक्स, ये तो स्ट्रिक्ट लगता है। ये मुश्किल है। हाँ मुझे मिल गया। मैंने ये इतना छोटा क्यों लिखा है? क्या टीचर ने देखा? बाल बाल बचा। यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, है ना? अपने नोट्स छिपाओ, वो आ रहा है। इतना परेशान मैं कभी नहीं हुआ। तुम कुछ मुझे थामना चाहते हो? ओ नहीं ये बहुत बुरा है। ओह हाँ मेरे पास ये भी है। मुझ पर दया करो सर। बस एक सुंदर सी लड़की अपना पेपर कर रही है। थॉमस ठीक है सब ले लो। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। बुरा लगता है। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम लकी हो, पर गेस करना शुरू कर दो तो बेहतर है। अब वो नहीं देख रहा है ना? इसे एडजस्ट करना होगा। हर सवाल का जवाब मेरे कानों में है। यह बेटी की प्यारी सी आवाज, कम से कम इसमें कोई तो पास होगा। क्लास से पहले की बातें, अब ये मजा खत्म होने वाला है। आशा है तुम लोगों ने अच्छा आराम किया होगा क्योंकि आज हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। मजेदार है ना? तुम्हारे पास 25 मिनट है, शुरू करो। मुझे भी नहीं पता कहाँ से शुरू करना है। ध्यान लगाओ लड़कियों। हेलो क्या वो जा रहा है? हाँ वो बाहर ही चला गया। और बूम हम अकेले हैं। मैं आंसर्स ढूंढती हूँ। मैं बाहर देखूंगी। मैं ये सब याद नहीं कर पा रही लेकिन मैं इसे जल्दी से लिख सकती हूँ। और ये जो पतला सा कागज है ये आज हमें बचाएगा। सब ठीक है। ओ नहीं मैंने लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहनी। पर मेरे लंबे बाल हैं।
और हाँ ये लंबाई सही है, ये डबल साइडेड टेप है, इसे स्क्रिप्ट के पीछे लगाएं, रोल से काटें और बैकिंग हटा लें। काश यहाँ जस्ट चिपक जाए। जल्दी से इसे अपनी गुद पर लगा लो, उल्टा करना ना भूलें। आ गया। उफ, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हमने कर दिखाया, माफ करना, हम अब टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। इस हैक का शुक्र है, सारे आंसर्स आपकी आंखों के सामने हैं। और उसे कुछ पता भी नहीं चला, क्या ये ट्रिक अच्छी नहीं है? पार्टी के बिना कॉलेज ही कैसा, हम रोज ही कहेंगे कि कल पढ़ेंगे, है ना? ये लेट हो रहा है बेटी। हे, हम बहुत थक गए हैं, चलो कल क्लास में मिलेंगे, मुझे भी सो जाना चाहिए। इसे बंद कर दो, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। क्या? मैं भयानक लग रही हूँ, मुझे हाइड्रेट करना होगा। वो? इसे क्या हुआ है? अब मैं गीली हो गई, बाद में करूंगी ये सब। ये अच्छा है, शायद मुझे ये ही चाहिए। क्या सुबह ज्यादा जिंदा दिखना चाहते हैं? एक ठंडे पानी का बोल अजूबे कर सकता है। हम बर्फीले ठंडे पानी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे कि बोल एक्स्ट्रा लार्ज हो। अब इसमें बहुत सारा ठंडा पानी डालें। जब ये हो जाए तो इसमें आइस क्यूब्स डालें। तो चलो, जब ये ठंडा हो तो जादू शुरू होगा। आह, ध्यान रहे कि आपका पूरा चेहरा इसके अंदर जाए। आह, ये ताजगी भरा था। बाय बाय भारी आंखें, और मैं ताजा महसूस कर रही हूँ। कितना प्यारा दिन है ना? मैं मुश्किल से जाग पा रही हूँ। हाय, वो मैं अच्छी दिख रही हूँ है ना? मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ, हम आखिरकार ब्रेक ले सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे अब बचा हुआ खाना है। मैंने कल रात को सबसे स्वादिष्ट सूप बनाया था, बस एक बाइट और तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। ओह हाँ, ये अच्छी चीज है, चम्मच यही कहीं था। एक फोक, मैं सूप इससे नहीं पी सकती, मैं पक्का चम्मच लेकर आई थी। कुछ भी, शायद आज कोई सूप नहीं पीने वाला, कम से कम मेरे पास जूस है। ये भी खत्म हो गया, ये लंच तो घटिया होता जा रहा है। ये कप पेपर से बना है ना? और मेरे पास फोक भी है, चम्मच चाहिए। पेपर कप के नीचे का हिस्सा काटे और कोने से फोक को घुसाए और नीचे भी ले जाए, और इसी तरह अब हम सूप पी सकते हैं। ये सच में बहुत मजेदार है, और पता चला मैं क्लासरूम और रसोई दोनों में माहिर हूँ।